हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ वेलवेट साड़ी का। इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया है और ये मैंने ग्रीन कलर की साड़ी मंगाई है जो मुझे रिसीव हुई है। ये पहले पेपर बैग में थी, उसको मैंने हटा दिया, उसके बाद मुझे कुछ इस तरीके से मिली है। और चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ इसको। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो मैंने इसको अमेजोन से मंगाया है। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है वेलवेट, इसलिए मैंने वेलवेट साड़ी मंगाई है और मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ आप लोगों के साथ। साड़ी काफी प्यारी है, जो इसका ऊपर वाला जो वेलवेट है वो बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट सा वेलवेट है ये। और इसमें कुछ इस तरीके का आपको बॉर्डर मिल जाएगा पूरी ही साड़ी पे। ये मैं दिखाती हूँ आपको खोल के, पूरी ही साड़ी पे ये बूंदी वाला वर्क है। ये मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। इसमें जो ब्लाउज का कपड़ा है वो येलो कलर का है, येलो कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है। आप चाहो अगर आपको येलो पसंद ना हो तो कोई और कलर का भी बनवा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी इसमें आप येलो कलर का ही ब्लाउज बनवाओ। और इसके अंदर यहाँ पे आपको बॉर्डर पे आपको थ्रेड वर्क मिल जाएगा और सितारों का वर्क मिल जाएगा। ये जो बॉर्डर है ये काफी हल्का है, ऐसा नहीं है थोड़ा हैवी वाला नहीं है, हल्का सा ही है। पूरी ही साड़ी पे आपको बॉर्डर वर्क मिलेगा। और मैं आपको ब्लाउज का पीस दिखा देती हूँ। ये है दोस्तों ब्लाउज का पीस। जो ब्लाउज का जो कपड़ा है वो ज्यादा दमदार नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसा ही है, हल्का सा है, इतना मोटा वाला नहीं है। और पीछे कुछ इस तरीके के थ्रेड थ्रेड जैसा ही है, मतलब चुभेगा नहीं अगर आपकी बॉडी पे, अगर आप इसी वाले का बनवाओगे तो बॉडी पे चुभेगा नहीं, ऐसे थ्रेड वर्क है। तो यहाँ पे आपको ब्लाउज मिल जाता है। ये इसका बैक है, ये बैक डिजाइन है। यहाँ पे आपको स्लीव्स पे डिजाइन मिल जाएगा, फ्रंट वाला आप कैसे भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये येलो कलर का ब्लाउज का पीस मिल जाता है और इसको आप इसके साथ कंबाइन करके बनवा सकते हो। येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, मेरे पास ऐसा एक भी नहीं था वेडिंग सीजन में, लेकिन इसीलिए मैंने इसको मंगाया कि जो इसका येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है काफी सुंदर लग रहा है। और इसको मतलब काफी कंट्रास्ट है, आप चूड़ी वगैरह और ज्वेलरी वगैरह मैच करके अच्छे से पहनोगे तो काफी सुंदर सा लगेगा। वरना ज्यादातर ग्रीन के साथ लोग और कलर मैच कर लेते हैं, मैंने आज तक येलो मैच नहीं करा। ये इसका पल्लू है जो पूरा बॉर्डर से कवर है और बूंदी बूंदी, जैसे मैंने आपको वर्क बताया, पूरी साड़ी पे आपको ये बूंदी वाला वर्क मिलेगा। और ये कोई हैवी वर्क नहीं है, ये सितारों का वर्क है। आपको मैं बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ, बिल्कुल सितारों का वर्क है, निकलेगा भी नहीं, कहीं उलझेगा भी नहीं, आपकी चूड़ी वगैरह में भी नहीं उलझेगा, इजीली मतलब आप इसको पहन सकते हो। जो इसका फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो साड़ी है ये दिखने में थोड़ी हैवी लगती है, पर ये बहुत हल्की है, बहुत लाइट वेट है, पहनना बहुत आसान है। इसको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ही भारी साड़ी पहन रखी है, लेकिन लुक वाइज ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ही भारी साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि इसका बॉर्डर ऐसा लुक देता है जैसे आपने काफी हैवी बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है, लेकिन ये बहुत ही हल्की है। साड़ी के साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा गोटा भी दिया जाता है, बेल्ट नहीं है ये, एक्स्ट्रा आपको गोटा दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, जिसे आप अपनी स्लीव वगैरह पे ब्लाउज की स्लीव पे लगवा सकते हो। साइड में जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट इस पे दे रखा है, पर अगर आप इसे कहीं ब्लाउज में लगवाना चाहो मैचिंग के तौर पर तो लगा सकते हो। अगर क्योंकि ये बेल्ट होता ना तो इसमें थ्रेड भी लगा होता और प्रॉपर तरीके से बनी होती है, ऐसे ऐसे कोने बने होते हैं जो बेल्ट के, उस तरीके से बनी होती है। तो ये उस तरीके से बिल्कुल भी मुझको रिसीव नहीं हुई है, ये बस ऐसे ही गोटे का छोटा सा पार्ट मुझको मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली बेल्ट जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और साड़ी दोस्तों काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है वेलवेट, काफी लोग वेलवेट में लहंगे ले रहे हैं, गाउन ले रहे हैं, साड़ियां ले रहे हैं, सूट भी मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आपको सूट मिलेंगे। मैंने सूट नहीं मंगवाया, मैंने साड़ी मंगवाया, मुझे साड़ी का बहुत ज्यादा मन करा था तो मैंने इसीलिए साड़ी मंगवा लिया। और ग्रीन कलर है, जो ये जो कलर है ये डार्क ग्रीन है, मतलब जो एक डार्क ग्रीन कलर होता है उस तरीके का ग्रीन है, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है सामने से देखने में और कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है इसका। और ये मैं आपको रख के दिखाती हूँ अपने ऊपर, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने वाली है जब मैं इसको पहनूंगी, ब्लाउज के साथ ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। इसके जो फिनिशिंग है वो बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है, एकदम आपको परफेक्ट फिनिशिंग के साथ साड़ी रिसीव होगी। और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही हल्का वेलवेट है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके नीचे डिफरेंट कलर का पेटीकोट जो होता है या फिर आप वो शेप वियर कहते हैं उसको पहन सकते हो, दिखेगा नहीं, देखो आपको मेरा दिख नहीं रहा होगा हाथ।
यहाँ से मैं आपको पीछे से साड़ी दिखा देती हूँ। पीछे से आपको साड़ी का जो टेक्सचर है वो कुछ ऐसा होगा। और देखो मैंने आपको बोला ना कि थ्रेड वर्क है, तो बिल्कुल भी निकलने का डर नहीं है, पूरे तरीके से सिला हुआ है ये। जो ये बूंदी बूंदी बने हुए छोटे छोटे से फ्लावर, ये पूरे अंदर साड़ी के कपड़े के अंदर गड़े हुए हैं, तो इसमें अलग से निकलने का जैसा कोई इश्यू नहीं है। और ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साड़ी मैंने मंगाई, मैंने पहले बता दिया आपको कि ऑनलाइन मैंने साड़ी मंगाई है। काफी सारी वेबसाइट पे आपको ऐसी साड़ी मिल जाएगी जहाँ पे आपको सस्ता मिले, जहाँ पे आपको ठीक लगे वहां से आप इसको मंगा लेना। और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये कलर, मैंने इसको अमेजोन से मंगाया, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप वहां से जाके डायरेक्टली इसको खरीद सकते हो। और ये था दोस्तों मेरा वेलवेट साड़ी का रिव्यू, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको खरीदनी हो तो इसका लिंक मैं दूंगी, आप वहां से जाके इसको इजीली खरीद सकते हो। आजकल बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप वेलवेट की एक साड़ी जरूर ट्राई करना, बहुत ही खूबसूरत लग रही है सामने से देखने में, और पहनने में और भी ज्यादा अच्छी लगती है पार्टी वगैरह में। तो जैसा मैंने बोला कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना।